इस्तस्ना 20वां बाब। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को जाए और घोड़ों और रथों और अपने से बड़ी फौज को देखे, तो तू उनसे डर न जाना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल लाया तेरे साथ है। और जब मारकाए जंग में तुम्हारी मुठभेड़ होने को हो, तो काहिन फौज के आदमियों के पास जाकर उनकी तरफ मुखातिब हो और उनसे कहे, सुनो ऐ इसराइलियों, तुम आज के दिन अपने दुश्मनों के मुकाबला के लिए मारकाए जंग में आए हो, तो तुम्हारा दिल हरासा ना हो, तुम ना खौफ करो ना कांपो ना उनसे दहशत खाओ, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है, ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। फिर फौजी हुकाम लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो, वो अपने घर को लौट जाए, ताना हो कि वो जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे। और जिस किसी ने ताकिस्तान लगाया हो पर अब तक उसका फल इस्तेमाल ना किया हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ताना हो कि वो जंग में मारा जाए और दूसरा आदमी उसका फल खाए। और जिसने किसी औरत से अपनी मंगनी तो कर ली हो पर उसे ब्याह कर नहीं लाया है, वो भी अपने घर को लौट जाए, ताना हो कि वो लड़ाई में मारा जाए और दूसरा मर्द उससे ब्याह करे। और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे ये भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का हो, वो भी अपने घर को लौट जाए, ताना हो कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट जाए। और जब फौजी हुकाम ये सब कुछ लोगों से कह चुके, तो लश्कर के सरदारों को उन पर मुकरर कर दें, जब तू किसी शहरी से जंग करने को उसके नजदीक पहुंचे, तो पहले उसे सुलह का पैगाम देना, और अगर वो तुझको सुलह का जवाब दे और अपने फाटक तेरे लिए खोल दे, तो वहां के सब बाशिंदे तेरे बाज गुजार बनकर तेरी खिदमत करें। और अगर वो तुझसे सुलह ना करे बल्कि तुझसे लड़ना चाहे, तो तू उसका मुहासरा करना। और जब खुदावन तेरा खुदा उसे तेरे कब्जा में कर दे, तो वहां के हर मर्द को तलवार से कत्ल कर डालना, लेकिन औरतों और बाल बच्चों और चौपायों और उस शहर के सब माल और लूट को अपने लिए रख लेना। और तू अपने दुश्मनों की उस लूट को जो खुदावन तेरे खुदा ने तुझको दी हो खाना। उन सब शहरों का यही हाल करना जो तुझसे बहुत दूर हैं, और इन कौमों के शहर नहीं हैं, पर इन कौमों के शहरों में जिनको खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, किसी जी नफ्स को जीता ना बचा रखना, बल्कि तू इनको यानी हती और अमूरी और केनानी और फरेजी और हवी और यबूसी कौमों को, जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया है, बिल्कुल नेस्त कर देना, ताकि वो तुमको अपने से मकरू काम करने ना सिखाएं, जो उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं। और यूं तुम खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करने लगो। जब तू किसी शहर को फतह करने के लिए उससे जंग करे और मुद्दत तक उसका मुहासरा किए रहे, तो उसके दरख्तों को कुल्हाड़ी से ना काट डालना, क्योंकि उनका फल तेरे खाने के काम में आएगा, सो तू उनको मत काटना, क्योंकि क्या मैदान का दरख्त इंसान है कि तू उसका मुहासरा करे। सो फक्त उन्हीं दरख्तों को काट कर उड़ा देना,
जो तेरी दानस्त में खाने के मतलब के ना हो, और तू उस शहर के मुकाबिल जो तुझसे जंग करता हो बुर्जों को बना लेना, जब तक वो सर ना हो जाए।